हेलो गाइस, मैं हूं सुमेर सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्तों आज हमारे पास सही है 2023 न्यू महिंद्रा थार, जो आज हम लोग इसमें इंस्टॉलेशन करने वाले हम लोग एलईडी प्रोजेक्टर फोगलेम। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं इसमें आपको थार के अंदर आपको नॉर्मल सा फोगलेम आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो फोगलेम रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर आपको 55 वॉट का हेलोजन बल्ब रहता है। ये वाला हम लोग रिमूव करके हम लोग यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर फोगलेम हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। और वो फोगलेम रहेगा आपका 3-in-1 फोगलेम रहता है, उसमें 3-in-1 कलर रहते हैं आपका येलो, वॉर्म वाइट और आपका वाइट रहता है, और ये सुपर वाइट रहता है। और आप देख सकते हैं ये है हमारा 3-in-1 प्रोजेक्टर फोगलेम रहता है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको बल्ब लगाने की कोई इसमें ऑप्शन नहीं रहता है, और ये आप देख सकते हैं इसका जो रिले भी इसमें इनबिल्ट रहता है। और ये रहता है हमारा प्रोजेक्टर फोगलेम रहता है, और ये रहता है हमारा 350 वॉट का रहता है एक। तो इसमें हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं हम लोग पूरा विदाउट वायरिंग कटिंग हम लोग करने वाले हैं, और ये पूरा हम लोग सॉकेट टू सॉकेट करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग ये वाला जो बम्पर है थार का, ये वाला हम लोग उतार लेंगे, इससे हमें खोल लेंगे ताकि हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम लोग इसकी फिटिंग कर सकें। ये आप देख सकते हैं दो क्लेम के द्वारा इसकी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन जाती है, ये आप देख सकते हैं, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसमें इंस्टॉल हो जाता है। जैसे आप कभी बम्पर लगा हुआ है और जैसे आप कभी इंस्टॉल करते हैं तो उसमें फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर नहीं आती है, और लाइट का थ्रो भी काफ़ी अच्छा नहीं रहता है। तो ये हमने बल्ब, ये जो प्रोजेक्टर फोगलेम है, इसको हमने लगा दिया है। बाकी इसके अंदर हम लोग अभी इसमें अपर डिपर का जो रहता है, जो ऑप्शन रहता है, वो भी हम लोग इसमें जो हेडलाइट के साथ ही, जैसे आप कभी अपर डिपर करते हैं तो ये आपका ये अप और डाउन आपका ये आपके हेडलाइट के साथ रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल अंधेरा है। ये हमने प्रोजेक्टर फोगलेम ऑन किया, ये आपका येलो, ये वॉर्म वाइट, और जैसे हम कभी वाइट करते हैं तो ये आपकी ये वाइट भी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सुपर वाइट, और जैसे हम लोग कभी अपर डिपर करते हैं तो इसमें भी अपर डिपर का ऑप्शन रहता है, ये आप ये देख पा रहे होंगे सामने, और ये भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपर डिपर होता है, और येलो रोशनी भी काफ़ी बढ़िया रहती है। और इसको ये वाला जैसे आप कभी फोगलेम लगाते हैं तो इसमें आपको हेडलाइट ऑन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है, और काफ़ी बढ़िया इसका जो लाइट का थ्रो रहता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे लाइट का थ्रो काफ़ी बढ़िया रहता है, और ये आपका ये बैटरी भी बहुत कम खाता है। ये जैसे आपके जैसे कभी 55 वॉट का बल्ब रहता है आपका हेलोजन, तो ये उससे भी कम बैटरी ये यूज़ करता है ये एलईडी प्रोजेक्टर फोगलेम। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके अंदर अपर डिपर भी रहता है, और इसमें जैसे आपका भी फोग होता है, जैसे बारिश होती है तो इसमें आप जो है येलो भी आप इसमें आप यूज़ कर सकते हैं फोगलेम के अंदर। और बाकी हम लोग इसको एलईडी हेडलाइट बल्ब भी हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं, ये वाला मोको 192 एलईडी हम लोग इसमें करने वाले हैं, सुपर ये रहती है इसकी रोशनी, और ये 23,000 ल्यूमिनस पे ये चलता है, और इसमें आपको 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी मोको में भी आपको एलईडी रिले इसके अंदर इनबिल्ट रहता है, और ये भी काफ़ी कम बैटरी खाता है। और आपके जो ये आपका जो हेलोजन बल्ब रहता है वो आपका 55-60 वॉट का रहता है, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये आपका 55 और 60 वॉट का बल्ब है। तो ये वाला हम लोगों ने अभी हटा दिया जो स्टॉक बल्ब रहता है जो कंपनी देती है, और इसमें हमने हमारा मोको 192 हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी बढ़िया रहता है, इसकी रोशनी काफ़ी बढ़िया रहती है, और ये भी बिल्कुल सॉकेट टू सॉकेट रहता है, इसके अंदर भी कोई वायरिंग कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये सॉकेट टू सॉकेट ये रहता है हमारा मोको एलईडी हेडलाइट बल्ब। और इसमें आपको 2 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी मिल जाती है। और फाइनली हमारा फोगलेम भी लग चुका है, हमारी हेडलाइट भी लग चुकी है, और आप देख सकते हैं इसकी हमारी हेडलाइट की रोशनी देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया रहती है इसकी रोशनी भी। ये हमारा अभी फोगलेम बंद है, ये आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी बढ़िया रोशनी रहती है।